एक बार एक आदमी फ्रांस के मशहूर फिलोसोफर ब्लेस पास्कल से मिला और उनसे ये कहा कि अगर मेरे पास आपकी जैसा दिमाग हो जाए तो मैं बेहतर इंसान बन सकता हूं। इस पर पास्कल ने क्या जवाब दिया? वो जवाब नहीं, लाजवाब था। उन्होंने जवाब दिया कि सबसे पहले बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पे किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। वो मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में ने इस पे बनाया था, वो था एटीट्यूड के ऊपर, नजरिए के ऊपर। गाइस, अगर आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख ले, आपको बात समझ में आ जाएगी कि कैसे हमारे जिंदगी में एटीट्यूड यानी नजरिए का इम्पोर्टेंस होता है, किस तरह से हमारा नजरिया हमारे लाइफ को बेहतर बनाता है। सो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा कि वो कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, वो कौन से ऐसे तत्व हैं जिसके जरिए हमारा नजरिया बेहतर बन सकता है। इससे पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। वो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या किसी इंसान का नजरिया उसके जन्म लेने से पहले बनता है या जन्म लेने के बाद बनता है? यदि जन्म लेने के बाद बनता है और उसमें दूसरी बात ये से अगर निगेटिव माहौल में बनता है और निगेटिव माहौल में उसका निगेटिव नजरिया बनता है तो क्या उसे बदला जा सकता है? ऑफ कोर्स, जरूर उसे बदला जा सकता है। हाँ, एक ये भी सच है कि कुछ इंसान के टेंडेंसी और उसके नजरिए उसके गॉड के द्वारा उसको मिला होता है। यानी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको गॉड के द्वारा एक खास टेंडेंसी प्रोवाइड किया जाता है, गॉड के द्वारा उन्हें एक खासियत मिली होती है जिसे ना तो मैं बदल सकता हूं ना ही आप बदल सकते हैं। लेकिन जो नजरिया, जो मेरा एटीट्यूड गलत जगह से बना है, गलत बना है, उसको मैं भी बदल सकता हूं और आप भी बदल सकते हैं। सो गाइस, तो आज मैं इसके ऊपर डीपली आज पूरी बात करूंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर देना यार, कोई बात नहीं है, मैं उस बात को भी आपके प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं टेंडेंसी के ऊपर, ये एटीट्यूड के ऊपर, नजरिए के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमारा नजरिया बनता है वो मेरे माहौल के अकॉर्डिंग बनता है, यानी इन्वायरमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है? मतलब जिस हम घर में पैदा हुए हैं वह मेरा पहला इन्वायरमेंट आता है। मतलब कि इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मेरा घर आता है। और दूसरी बात, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं वहां से भी हमारी नजरिया बनती है, वहां से भी हमारा एटीट्यूड बनता है। और तीसरा, जिस जगह पे हम काम करते हैं वह जगह से भी, उस जगह से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है, वहां से भी हम लोग कुछ ना कुछ लेते हैं या तो देते हैं। इसके अलावा हमारी मीडिया का भी हमारे एटीट्यूड को बनाने में, नजरिए को बनाने में उनका भी एक अहम रोल होता है। मीडिया में आता है या तो टीवी हो गया या सोशल मीडिया हुआ, मैगजीन हुआ, न्यूज़पेपर हुआ। जैसे हम न्यूज़ को देखेंगे, जैसे हम टीवी शो को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होता है, नजरिया बनता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके जरिए हमारा नजरिया बनता है, वो है हमारा कल्चर। जिस कल्चर में हम रहते हैं वहां से भी हमारा क्या होता है, नजरिया बनता है। और जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं तो रिलीजियस बैकग्राउंड का भी हमारे नजरिए के ऊपर एक अहम रोल होता है। धर्म के अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं या उसके जरिए हम लोग कुछ ना कुछ अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, लोगों के बीच में अपने विचार को रखते हैं। इसके अलावा आता है परंपरा, यानी परंपरा जो हमारे पूर्वज लोगों ने कुछ अरसे से निभाते आया है उनको हम लोग को क्या होता है, निभाना पड़ता है। वैसा नजरिया हमें भी बनाना पड़ता है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के फॉलोअर होते हैं, उनके मानने वाले होते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स करते हैं वैसे हम लोग भी क्या करते हैं, मानते हैं और करते हैं। और इसके अलावा जो आता है मेरा राजनीतिक माहौल, यानी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट।
जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, वहाँ का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, उसका भी हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि हम रात दिन टीवी देखते हैं, और आज तो ये टेक्निकल का जमाना है, हर इंसान के पास क्या है, एक मोबाइल है। तो इस मोबाइल में हर चीज वो देखता है जो पहले लोग नहीं देखा करते थे। पहले के लोग को ये सब चीजें नहीं मिलती थी, जो चीजें आज हमें मोबाइल के जरिए मिलता है। तो मोबाइल से हमें बहुत सारी चीजों कुछ सीखने को मिलता है, और कुछ ऐसे निगेटिव भी होते हैं तत्व, तो ऐसे निगेटिव कुछ हमें वीडियो देखने को मिलता है, जिससे हमारा नजरिया क्या होता है, प्रभावित होता है। तो सबसे पहले हमारे नजरिए को जो बनाने में रोल निभाती है वह है मेरा इन्वायरमेंट। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहे वह अच्छा इन्वायरमेंट हो, वहाँ चाहे तो खुद से या जितने भी वहाँ के इन्वायरमेंट में है उन सबों से आप इस तरह बिहेवियर करें, और इस तरह से आप उन माहौल को, उन इन्वायरमेंट को क्रिएट करें जिसके जरिए आपका नजरिया क्या हो, बेटर हो, आपका एटीट्यूड बेटर हो, आपका लाइफ बेटर हो। और ये टीवी तो मेरे ख्याल से उन लोगों को कमाना है तो कुछ भी दिखा सकता है, आज दिखा भी रही है दुनिया। मतलब कि कुछ ऐसे वीडियो जिसे ना तो मेरा फायदा है, ना आपका फायदा है, ना किसी का फायदा है, बस उस वीडियो बनाने वाले का फायदा है। जैसे वो आप समझ लो गलत वीडियो के बारे में बता रहा हूँ, आप समझ चुके होंगे कि मैं गलत वीडियो के बारे में बता रहा था। और कुछ ऐसे शो भी होते हैं जैसे कि आज टीवी में हम लोग को देखने को मिलता है। टीवी में क्या हो रहा है आजकल, खास करके मेरे इंडिया का, मेरे हिंदुस्तान का मीडिया इतना खराब हो चुका है कि मैं क्या कहूँ, और एक तरह से इतना भी खराब नहीं है जिससे मैं बुरा मान सकूं। वो अच्छा भी है एक जगह बुरा भी है, लेकिन जितना अच्छा नहीं है उससे ज्यादा बुरा है। क्योंकि आज डिबेट में आप और हम सब देखते हैं कि एक दूसरे से क्या होता है, तू तड़ाका हो जाता है, एक दूसरे से लोग इस तरह से बिहेवियर करते हैं जिसका समाज पे एक बुरा इफेक्ट पड़ता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उस वीडियो को वहां तक आप फैलाएं जरूर, ताकि इस मीडिया वाले के बीच इस वीडियो को फैलाएं, ताकि उन लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, प्लीज 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 आप लोग ऐसे माहौल को ना बनाएं जिससे हमारा समाज खराब हो, जिससे हमारा समाज बिगड़े, जिससे हमारे समाज में बुराई फैदा होता है। आप तमाम मीडिया आप अच्छे हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी मिली हुई है जिसे आप बखूबी समझ रहे हैं, लेकिन कुछ आप में गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से मुझे कुछ कहना पड़ता है। मैं क्या, जितने भी अच्छे इंसान होंगे वो सारे के सारे इंसान आज इन बुराई को देख रहा है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे इंसान हैं जो आपके बीच कह रहा है, कुछ लोग ऐसे मुंह बंद करके चुप हैं। लेकिन अच्छे इंसान की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वह अगर अपने समाज में बुराई देख रहा है तो बुराई के ऊपर बोले, उस बुराई को रोकने की कोशिश करे। अगर उस बुराई को रोक नहीं सकता तो आप उस बुराई को बुरा समझे, अगर आप उसको बुरा बोल नहीं सकते तो कम से कम अपने मन में बुरा जरूर समझते, जैसे कि मैं समझ रहा हूँ ये बुरी चीज है, आप भी इस बात को समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो अब मैं अगला बात करूं कि हमारे एटीट्यूड को, हमारे नजरिए को बनाने में एक रोल होता है एजुकेशन का भी। जिस प्रकार हमको एजुकेशन मिलता है उस प्रकार क्या होता है, मेरा धीरे धीरे एटीट्यूड डेवलप करता है, नजरिया भी डेवलप करता है। तो हमें